राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में चल रहे मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के समापन के अवसर पर शनिवार को एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह द्वारा सबसे ज्यादा उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक 15 दिनों के लिए लगाया गया था, जिसका समापन हुआ है। 15 दिनों में प्रदर्शनी में 1,14,69,000 के उत्पादों की बिक्री हुई है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगा था। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि यहां अच्छी बिक्री हुई है और कहा गया है कि इस तरह के प्रदर्शनी आगे भी लगाया जाए तो हम लोग जरूर आएंगे, जिससे हम लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी में खादी वस्तुओं व हाथ के द्वारा बने वस्तुओं को एक जगह खरीदने का मौका मिलता है। हमारा प्रयास है कि इस तरह की प्रदर्शनी आगे भी लगाया जाए, जिससे लोग लाभान्वित हो सके। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, परियोजना निदेशक अनिल कुमार सिंह, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी श्री डीके पाल साहब से कि हमारे परियोजना निदेशक आपकी जोरदार तालियां। तो आगे बढ़ाते हुए आइए हम सब ईश्वर की आराधना करते हैं, जिनके आशीर्वाद मात्र से लईका तोहार बानी हो, माई पीड़ा वाले आई हम दुआर बानी, लईका तोहार बानी हो। बानी बेटा तू हस मानते हो, सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सच हमारे आज के मुख्य अतिथि गाजीपुर से आए हुए हैं, श्री राजमणि वर्मा जिला विकास अधिकारी, श्री वीरेंद्र प्रसाद प्राचार्य सी एफ सी वीरेंद्र प्रसाद प्राचार्य जुबली इंटर कॉलेज जो है गोपालगंज से बिहार है, आशा है कि नंबर पे हैं। नहीं होना पूरे मेले में एक बिहारी हैं। खादी को प्रमोट कर रहे हैं, शामिल कर दिया। खादी महंगी पड़ती थी, खादी आश्रम में जाकर के खादी खरीदना स्थिति यह होती है कि अभी खादी के उसमें जाएंगे जी, तो खादी जो है अब रेडीमेड में आ गई तो 500 रुपये बन जा रही है, और कपड़ा इससे अधिक मिलेगा क्योंकि अपनी फैक्ट्री भी है और डीओपी में हम लोग इसको प्रमोट कर बेहतर जो है प्रयास हो रहा है जी सर। इनके यहाँ बनता भी है, कौन सा बड़ा
कहाँ पे है कानपुर में आपका जाजगांव जी। इन्होंने 2,18,554 बहुत ही शानदार अंक। तीसरा बार जोरदार तालियां। हमारा प्रथम ही है श्री अजीत गुप्ता जी गोला, श्री विनोद कुमार बार गोला से 9 पॉपकॉर्न मशीनें दी जाएंगी, लेकिन अभी प्रतीक के स्वरूप हम एक यहां पर वितरित कर रहे हैं। कल ग्राम उद्योग अधिकारी महोदय से मिलकर अपने निःशुल्क दिया जा रहा है, ये बहुत ही शानदार। पांडे बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था आज। ये प्रदर्शनी जो खादी ग्राम उद्योग विभाग द्वारा लगाया गया है जुबली इंटर कॉलेज में, उसका समापन हो रहा है। ये प्रदर्शनी 7 जनवरी से यहाँ पे लगी हुई थी और इसमें सभी विभागों के स्टॉल जो अन्य जनपदों से अन्य प्रदेशों से भी आए हुए हैं और साथ ही साथ गोरखपुर जनपद और उसके आसपास के जनपदों के लोग भी आए हुए हैं, सबके द्वारा बताया गया कि उनका काफ़ी अच्छा बिक्री रहा है और काफ़ी दुकानदार इस प्रदर्शनी में आके अपना दुकान लगा के संतुष्ट हैं और उनके द्वारा यह इच्छा व्यक्त की इस तरह की प्रदर्शनी हमेशा लगाई जाए जिससे उनको और उनके परिवार को और आसपास के लोगों को रोज़गार भी उपलब्ध होता है और साथ ही आम जनता को एक ही जगह पर खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए वस्तुओं को खरीदने का मौका भी मिलता है शहर के वासियों को। तो दोनों तरफ से ये विन विन की पोजीशन है, इसमें दुकानदार भी लाभान्वित होते हैं और ग्राहक भी लाभान्वित होते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा और खादी ग्राम उद्योग विभाग का भी ये प्रयास रहेगा कि इस तरह की प्रदर्शनी नियमित अंतराल पर शहर में लगाई जाए। सर 15 दिनों में कितने के लगभग बिक्री? 15 दिनों में लगभग 1,15,00,000 रुपये के आसपास की बिक्री हुई है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। यहाँ पे गोरखपुर वासियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर यहाँ प्रतिभाग किया और अपने जरूरत की सब सामग्री खरीदी है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरह से लोगों को लाभ मिले।